बच्चे को उतनी एनर्जी नहीं रहती है, बच्चा ज़्यादा सोता है, तो जिस वजह से क्या होता है कि बच्चे की मूवमेंट आपको फील नहीं हो पाती है। हेलो फैमिली, नमस्कार। लो एक बार फिर से आ गई हूँ आप सबके लिए एक हेल्पफुल वीडियो लेकर, और आप सबका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि आपकी कुछ गलतियाँ जो आपको गर्भ में बच्चे की हलचल महसूस नहीं होने देंगी। क्योंकि भाई आप प्रेग्नेंट हो तो सबसे पहला इंतज़ार बच्चे को महसूस करने का जो होता है वो होता है बच्चे की हलचल। अब जब वही आप महसूस नहीं कर पाएंगी तो फिर कैसे लगेगा? तो इसके पीछे कुछ आपकी गलतियां होती हैं। वो कौन सी गलतियां होती हैं आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। आप वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इसी तरीके के मोस्ट हेल्पफुल वीडियो डेली देखने के लिए। नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें, ऑल पर क्लिक जरूर करें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं जल्दी से आज का वीडियो। सबसे पहला रीज़न होता है जब आपको गर्भ में बच्चे की हलचल महसूस नहीं होती है, वो है ज़्यादा खाना या ज़्यादा पानी पी लेना। जैसे कि फ्रेंड्स, आप जब ज़्यादा खाना खा लेते हैं, ओवर ईटिंग कर लेते हैं, कुछ अच्छा बना और आपने पेट भर के अच्छे तरीके से खा लिया, या फिर कभी प्यास लगी और आपने ज़्यादा पानी पी लिया, तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि आपका पेट बहुत ज़्यादा भर जाता है, फिर बच्चे को अंदर जगह नहीं मिलती, जिस वजह से फिर आपको बच्चे की हलचल महसूस नहीं होती। इसीलिए आपको बोला जाता है कि प्रेगनेंसी में जो भी खाना है लिमिटेड खाना है, जितना भी खाना है उसको थोड़ा थोड़ा खाना है, 6 भागों में डिवाइड कर लेना है अपना दिन भर का खाना, फिर उसको थोड़ा थोड़ा खाना है। ठीक है, ब्रेकफास्ट आप अच्छे तरीके से कर सकती हैं, पेट भर के खाना चाहिए ब्रेकफास्ट। उसके बाद जो आपको लंच करना है उसके 3 भाग आपको कर लेने हैं, हर 1 से 1.5 घंटे में आपको कुछ ना कुछ खाना चाहिए, सो थोड़ा थोड़ा आप उसी में से खा सकते हैं। सेम जो भी खाना आपको खाना है वो थोड़ा थोड़ा ही खाना है, चाहे थोड़े थोड़े गैप पर आप दोबारा खा सकती हैं, लेकिन इकट्ठा खाना आपको नहीं खाना चाहिए। पानी भी है तो ये नहीं ज़रूरत से ज़्यादा ही आपने पानी पी लिया, जितनी प्यास लगी जितना हो उतना ही आप पानी पिए। जैसे कि एक बार में 1 ग्लास से ज़्यादा आपको पानी नहीं पीना चाहिए, फिर आप चाहे 1 घंटे में फिर पानी पी लें, फिर पानी पी लें, लेकिन इकट्ठा पानी आपको नहीं पीना चाहिए। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखिए। इसके बाद दूसरी चीज़ होती है, जब भी आपको यूरिन आ रही है या पॉटी आ रही है और आप उसको रोक कर बैठी हैं, तो इस वजह से भी गर्भ में बच्चे की हलचल महसूस नहीं होती है। क्योंकि यूरिन आप रोके हुए हो, ब्लैडर आपका फिल है, यूरिनरी ब्लैडर आपका पूरा भरा हुआ है, और अगर आप पॉटी पास करने नहीं जा रहे हो तो इस वजह से भी क्या होता है कि गर्भ में बच्चे को ठीक तरीके से जगह नहीं मिलती है और बच्चा मूवमेंट नहीं कर पाता है। तीसरी चीज़ है स्ट्रेस से। जब आप प्रेगनेंसी में स्ट्रेस लेती हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती हैं, गुस्सा करती हैं, लड़ाई करती हैं, चिल्लाती हैं, कुछ ना कुछ अपने माइंड में सोचती रहती हैं, रोती हैं, तो जैसा आप महसूस करती हैं वैसा ही गर्भ में बच्चा महसूस करता है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं तो बच्चा भी स्ट्रेस में होता है, क्योंकि आपसे बच्चा फिजिकली नहीं मेंटली भी कनेक्टेड होता है, तो आपको स्ट्रेस से भी बचना चाहिए। इसके बाद इसका चौथा रीज़न होता है सही डाइट ना लेना। जैसे कि फ्रेंड्स, आप प्रेगनेंसी में जो बच्चे को न्यूट्रिशन चाहिए वो नहीं दे पा रही हैं, आप एक हेल्दी डाइट ही नहीं लेती हैं, बैलेंस डाइट फॉलो ही नहीं करती हैं, तो जिस वजह से क्या होगा कि गर्भ में बच्चा कमज़ोर हो जाएगा, और बच्चा जब कमज़ोर रहेगा तो समय पर हलचल नहीं करेगा, मतलब कि बच्चा घूम ही नहीं पाएगा ठीक तरीके से, किक वगैरह ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसमें इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं होगी, बच्चा कमज़ोर है। तो इसीलिए आपको अपनी प्रेगनेंसी में एक बैलेंस हेल्दी डाइट ही फॉलो करनी चाहिए। जो भी खाना चाहिए हेल्दी खाना चाहिए, घर का बना हुआ खाना ही आपको खाना चाहिए। आपको अपनी प्रेगनेंसी में फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल, जूस, दूध, लस्सी, पनीर, दही, साथ में जूस, सूप, दालों का सेवन करना चाहिए। इनमें भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन होते हैं, जिस वजह से घर में बच्चे का वजन भी ठीक तरीके से बढ़ेगा और कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप ड्राई फ्रूट्स का सेवन भी कर सकती हैं। इसके बाद पांचवा रीज़न होता है चाय या कॉफ़ी ज़्यादा पीना। अगर आप अपनी प्रेगनेंसी में चाय या कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं तो चाय या कॉफ़ी में क्या होता है, कैफीन होता है। जब आपके बच्चे को आपके जरिए कैफीन मिलता है, क्योंकि जो आप खाते पीते हो वो सब घर में बच्चे को मिलता है, तो अगर आप अच्छा खाओगे अच्छा मिलेगा, अगर आप बेकार खाना खाओगे, बेकार चीज़ें खाओगे, तो वो भी बच्चे को मिलेंगी, तो सीधा इफेक्ट डालेंगे। इसलिए चाय कॉफ़ी में कैफीन है तो कैफीन बच्चे तक पहुँचेगा, तो बच्चा भी शिथिल सा हो जाता है, बच्चे को उतनी एनर्जी नहीं रहती है, बच्चा ज़्यादा सोता है, तो जिस वजह से क्या होता है कि बच्चे की मूवमेंट आपको फील नहीं हो पाती है। तो इसीलिए प्रेगनेंसी में ज़्यादा चाय कॉफ़ी का सेवन मना किया जाता है।
अगर आपको ज़्यादा लत पड़ी हुई है, बहुत ज़्यादा आदि हैं आप, तो एक कप चाय, एक कप कॉफ़ी आप दिन भर में पी सकते हैं, लेकिन एक ही पीना है। इसके बाद छठवीं चीज़ होती है कोई भी एक्टिविटी ना करना। आप दिन भर बिस्तर पर पड़े रहते हैं, कोई भी एक्टिविटी नहीं करते हैं, घर के काम नहीं करते हैं, वॉकिंग नहीं करते हैं, तो इस वजह से भी घर में बच्चे की हलचल कम महसूस होती है या नहीं होती है। क्योंकि क्या होता है कि जब आप चलती हैं आपकी पेल्विक एरिया की मसल्स फ्लेक्सिबल बनती हैं, बच्चे को भी मूवमेंट करने में जगह मिलती है। जब आप वॉकिंग करती या फिर आप घर के काम करती हैं, कुछ भी एक्टिविटी करती हैं, तो इसीलिए प्रेगनेंसी में आपको एक्टिव रहने को बोला जाता है। अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं, आपको प्रेगनेंसी में अपने एक्टिव होने की कोशिश करनी चाहिए, घर के छोटे मोटे काम करने चाहिए, वॉकिंग वगैरह करते रहना चाहिए, जिससे घर में बच्चे को अच्छे से स्पेस मिले और बच्चा मूवमेंट कर पाए। इसके बाद लास्ट चीज़, सातवीं चीज़ है, आप प्रेगनेंसी में आराम नहीं करती हैं। जैसे कि प्रेगनेंसी में एक्टिव रहना ही उतना ज़्यादा ज़रूरी है, साथ में आराम करना भी ज़रूरी है। दिन भर में 2 घंटे अपने कामों से फ्री होकर आपको निकालना है और 2 घंटे आराम करना है। क्योंकि क्या होता है, जब आप काम वगैरह में बिजी होते हैं तो बच्चा मूवमेंट तो करता है, आप महसूस नहीं कर पाती हैं उस टाइम। तो अगर आप बच्चे की हलचल महसूस करना चाहती हैं तो आपको दिन में 2 घंटे रेस्ट करना चाहिए, अपने पेट पर धीरे धीरे से हाथ घुमाना चाहिए, लेफ्ट साइड करवट करके लेटना चाहिए, कुछ ठंडा खाना चाहिए, कुछ मीठा खाना चाहिए। इससे क्या होता है कि घर में बच्चा एक्टिव होता है, बच्चा मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है फ्रेंड्स, सो ऐसे ही रीज़न है जिनकी वजह से घर में बच्चा मूवमेंट नहीं कर पाता है और आप महसूस नहीं कर पाती हैं। तो अगर आप इन चीज़ों को सुधार लेंगी तो घर में बच्चा अच्छे तरीके से मूवमेंट करेगा और आप अच्छे तरीके से घर में बच्चे की मूवमेंट को फील कर पाएंगे। सो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ आप सबसे अगले वीडियो में। बाय बाय एंड थैंक यू।